नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का 17 तारीख के इस वाले वीडियो में। आज के दिन का ये दूसरा नंबर वीडियो है। मैं समझता हूं कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आप सभी के सामने बिल्कुल डिस्कस कर सकूं, ताकि आप सभी को लाभ हो सके दोस्तों। तो ये हाइएस्ट लेवल थिंकिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, जो मैथमेटिक्स कम से कम दिन में 50 से 100 क्वेश्चंस करते हैं, वो तो क्वेश्चंस देख के ही बना देंगे। लेकिन हम कुछ अलग सोचेंगे आज, आज कुछ अलग सीखने का प्रयास करेंगे, आज कुछ अलग थॉट्स होगा। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे, और जिनको नहीं पता, आई एम ऑल्सो देयर ऑन अनअकैडमी। आप जाइए, अगर आपको पसंद आता है वीडियोज तो फॉलो करिए, वरना मत करिए। तो चलिए आज के डेट का 17 तारीख का वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, आज का जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो रहा दोस्तों, ये आपको अपने से सॉल्व करना है। जो भी आंसर बनेगा मुझे कमेंट के बॉक्स में मुझे बताइए कि यहां पे कौन सा क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है कि विच ऑफ द अमोंग इज रॉन्ग इन द सीरीज। ये भी क्वेश्चन आप करिए, ये भी क्वेश्चन आप करिए कि इनमें से कौन सा एक रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 to the power 1 by x प्लस 2.5 to the power 1 by y। इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो ये क्वेश्चन जो है डेटा सफिशियंसी है, आपको थोड़ी यहां पे कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट वैल्यू। नो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। तो ऐसे सवाल पे आप थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना कि 4 to the power 1 by x है, 2.5 to the power 1 by y है, यानी ये x एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे नहीं पता, y एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे नहीं पता, यानी x और y का अगर मैंने वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया तो मेरा आंसर जो होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। बात समझे? तो पहला अगर ऑप्शन को चेक करें तो सम ऑफ द इनवर्स यानी 1 by x + 1 by y क्या दिया है, 6/5। ये तो एक ही इक्वेशन बना। और दिमाग थोड़ा लगाइए कि दो वेरिएबल्स हैं तो कम से कम दो इक्वेशन आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इससे तो अकेला तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि x और y के वैल्यूज हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब जब ऑप्शन 2 को पढ़ता हूं तो ऑप्शन 1 को आपको भूलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज डेटा सफिशियंसी। तो यहां पे देखिए x into y मल्टीप्लीकेशन इज गिवन टू इज 5। अगेन दिस इज अलोन एन इक्वेशन, ये तो अकेला एक इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हैं, तो एक इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल्स है अकेला तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, यानी नाइदर 1 और नॉट 2 कैन अलोन गिव माई आंसर। बट अब क्या करेंगे, हम दोनों को कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन करके अगर हमने देखा तो xy इज इक्वल टू 5 आया, यानी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अगर दो इक्वेशंस आ गए तो दो वेरिएबल्स x और y को डिटरमिन करने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। दैट मींस x और y के वैल्यू निकल गया तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट, आर टुगेदर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल सबसे वाहियात सवाल है, ये सवाल को देखते ही आपके दिमाग में ठन हो जाना चाहिए कि ये सवाल ठप होगा, ये सवाल बन ही नहीं सकता। देखिए मैं कैसे बता दे रहा हूं आपको। हाउ मेनी डेज 8 women कैन कंप्लीट द वर्क, यानी 8 women एक काम को कितने दिन लगाएंगे, एक्स डेज जो भी लगाएंगे हमें नहीं पता, एक्स को निकालना है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट को देखो जरा, 10 men 12 women मिल के काम करें तो 12 दिन में खत्म करते हैं। 5 men ये सेकंड वाला है, तो पहला से तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते, बिकॉज मैन और वुमेन का हमें एफिशिएंसी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल्स हम निकाल ही नहीं सकते। सेकंड पे देखते हैं, 5 men + 6 women कैन डू इट इन 24 days। ये अगर भी अकेला देखे तो ये भी निकाल नहीं सकते। फिर तुम सोचोगे कि यार नहीं, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो आंसर बन जाएगा। गलत होगा जेंटलमैन, यू विल फाइंड द आंसर नोवेयर। व्हाई? बिकॉज देखो तो जरा, 5 का डबल क्या है, 10, 6 का डबल क्या है, 12। अब देखो जब इंसान डबल डबल हो गए तो काम तो जल्दी निपटेगा, और जब इंसान आधा आधा हो गए तो काम ज्यादा देरी में निपटेगा। यानी ये जो चीज और ये जो चीज, ये तो बराबर चीज ही है। 10 men 5 men 12 men 6 women, यानी इसका आधा हो गया तो दिन भी दुगना लग जाएगा, यानी बात तो एक ही है जेंटलमैन। बात समझे?
तो बात तो एक ही है, दोनों इक्वेशन तो एक ही है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप कोई भी स्टेटमेंट्स को दोनों को मिला के भी अगर करोगे तो यू वोंट फाइंड द आंसर, यू विल एंड अप इन नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 40 क्वेश्चंस। हालांकि ये जो सवाल है ना, बस देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, ये सवाल एट ए ग्लैंस में आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस टू गो। देखो, देयर आर 40 क्वेश्चंस इन एन एमसीक्यू टेस्ट। ओके, 40 क्वेश्चंस हैं, कोई एक एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है विथ फोर ऑप्शंस ईच, यानी एक एमसीक्यू के लिए, ये यहां पे ईच लिखना मैं भूल गया हूं, एक एमसीक्यू का चार ऑप्शंस है, ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, और चार ऑप्शंस मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, इन्हीं में से कोई एक करेक्ट है, बस एक करेक्ट है और बाकी तीन क्या है, रॉन्ग है। बात समझे? इन हाउ मेनी वेज वन आंसर ऑल द क्वेश्चंस सच दैट अल्टरनेट आंसर्स आर रॉन्ग। मतलब एक इंसान अगर ये 40 क्वेश्चंस बनाना चाहे तो ऐसे कितने तरीकों से, वेज मतलब क्या, कितने तरीकों से वो बनाएगा ताकि अल्टरनेट आंसर्स रॉन्ग आएगा, अल्टरनेट आंसर्स रॉन्ग आएगा। देखो, दो केस बन सकते हैं, केस वन और केस टू। मान लो पहला वाला उसने सही बनाया तो दूसरा वाला वो क्या बनाना चाहिए, गलत। तीसरा वाला क्या बनाना चाहिए, सही। चौथा वाला क्या बनाना चाहिए, गलत। तो ऐसा चलेगा 40 क्वेश्चंस तक, डन। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, तो यहां पे पहला सही बनाया तो यहां पे पहला गलत, दूसरा यहां पे सही, तीसरा यहां पे गलत, चौथा यहां पे सही, ऐसा करके 40 क्वेश्चंस तक बनाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब मुझे एक बात बताइए, इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू इट सच दैट ऑल अल्टरनेट आंसर्स आर रॉन्ग। अच्छा, दो केसेस सिनेरियो हो गए। अच्छा, पहला क्वेश्चन अगर सही बनाने का तरीका कितना होगा, एक ही तो तरीका होगा, बिकॉज इन्हीं में से एक ही तो ऑप्शन सही है ना। पहला क्वेश्चन को सही बनाने का तरीका कितना होगा, एक ही तो तरीका होगा, बिकॉज एक ही सही है इसी में से, तो वन वेज। दूसरा क्वेश्चन को अगर गलत बनाए, देखो एक सही है तो तीन गलत है, तो तीन तरीकों से वो गलत बना सकता है, इधर वो बी को गलत बना सकता है, सी को, डी को, कोई को भी गलत बना सकता है। अब तीसरा सही बनाने का तो एक ही रास्ता है ना भाई, एक तरीका होगा, गलत बनाने का कितने रास्ते हैं, तीन तरीके हैं, तो इसी तरह गलत बनाने का तीन रास्ता, सही बनाने का एक रास्ता, गलत बनाने का तीन रास्ता, सही बनाने का एक रास्ता। अब मुझे एक बात बताइए, अल्टरनेट क्वेश्चंस को रॉन्ग बनाना था उसे, केस नंबर वन से अगर हम देखें रॉन्ग कितने वेज से बन रहे हैं, देखो तो जरा, वन इंटू थ्री इंटू ऐसा चलेगा 40 तक, 40 क्वेश्चन तक चलेगा। केस टू में भी अगर हम देखें दोस्तों, तो वही तो है हालचाल, 3 × 1 × 3 × 1 ऐसा चलेगा 40 क्वेश्चंस तक। 40 क्वेश्चंस में अल्टरनेट में बनाना है तो वो कितना कितना गलत बनाएगा, 20 क्वेश्चंस गलत बनाएगा, और दूसरे में भी 40 क्वेश्चंस में वो गलत बनाना है अल्टरनेट में तो वो 20 क्वेश्चंस को गलत बनाएगा, 20 को सही बनाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो पहले केस से गलत कितना बनाया है, 3, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें, देखो मैं और एक बार बता देता हूं, केस वन ऐसा है, केस वन कैसा था, 1 × 3 × 1 × 3 up to 40 times, ठीक। केस टू कैसा था, 3 × 1 × 3 × 1 up to 40 times। अब ये है क्या, ये है क्या, तीन कितने बार आएगा, 20 बार आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस वो गलत बनाएगा और 20 क्वेश्चन सही बनाएगा। सो 1 × 20 × 3 × 20 इसका मतलब है 3 × 20, और ये हालचाल वही सेम है, यहां पे 20 क्वेश्चंस गलत बनाएगा, यानी 3 × 20 एक क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन सही बनाएगा, यानी 1 × 20 एक 20 बार आया है और 3 20 बार आया है, दैट मींस ये हो जाएगा 3 × 20। और ये दोनों केसेस एक साथ नहीं चल सकते, या तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो या तो ऐसा, जब या तो लगता है ना, जब या तो लगता है ना, प्लस किया जाता है, दैट मींस 3 × 20 + 3 × 20 दैट इज इक्वल 2 × 3 × 20 नंबर ऑफ वेज, इतने तरीके से गलत बनाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वो एमपी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये जो सवाल है थोड़ा सा चेंज कर लो, ये 55% इज मोर देन सीपी ऑफ दैट आइटम है, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं दोस्तों, राकेश सोल्ड एन आइटम, राकेश ने किसी एक आइटम को बेचा, फाइंड द एमपी ऑफ द आइटम, यानी एमपी निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, राकेश गेव टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20% 5% ऑन एमपी, मतलब मान लो कि एमपी कितना है 100x, ठीक। अब टू सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया है, यानी 20% और 5% का, तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है तो सबको पता है कि
ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, -20 -5 प्लस ऑफ -20 इंटू -5 बाय 100, ये -25 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, तो ये 100 एक बार, तो -24 यानी जो एस पी हो जाएगा दोस्तों वो 76x हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये 24% डिस्काउंट आया। ओके तो एस पी कितना हो जाएगा 76x। उसके बाद देखते हैं, बट आफ्टर टेक्स 25% टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस? 76x, उसको बेचना था, सॉरी वो बेचा 76x में, लेकिन वो इतना शाना है कि वो 25% और ज्यादा लेता है टैक्स के हिसाब से, बोलता है कि मैं और 25% लूंगा। तो 25% ऑफ 76x क्या होता है, 1/4 यानी 19 प्लस 76x, तो 76x प्लस 19x कितना हो जाएगा 95x। तो ओवरऑल वो ले कितना रहा है दोस्तों, 95x में बेच रहा है, वो बेच रहा है 95x में। ठीक है, अब देखते हैं, राकेश कैन अर्न मोर 40 मोर इफ ही सेल्स द आइटम एट एमपी। अगर वो आइटम को एसपीडस 100x में बेचता, जितना वो मार्क प्राइस था ना उतना में अगर बेचता, तो इसको 40 रुपए का लाभ होता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 95x और 100x का डिफरेंस क्या है? 5x, और यही 5x तो आपको 40 दिया गया है, यानी x का वैल्यू कितना आया, 8, x का वैल्यू 8 आया, तो MP का कितना आ जाएगा 800, तो यहां से तो हम MP निकाल ही सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ये 55% है। ठीक है, राकेश गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ MP, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देता है 15% और 20% का, तो यहां से हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। Whereas Rakesh kept MP 55% more than CP of that item। देखो अगर आप ज्यादा सोचोगे इस क्वेश्चन को तो कर नहीं पाओगे, अगर आप लॉजिकली भी सोचो, देखो यहां पे हमें एक डिजिट दिया गया था रुपीज के हिसाब से, रुपीज 40 बोल के दिया गया था, इसलिए हमने निकाल पाया, लेकिन यहां पे कहीं पे आपको डिजिट दिखाई दे रहा है क्या? यहां पे तो सिर्फ परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यानी जो भी आंसर हम निकालेंगे तो यहां पे सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट यूनिट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सब कुछ परसेंटेज में ही है। तो ऑप्शन 2 से तो हम निकाल नहीं सकते, ऑप्शन 1 से ही हम अपना काम कर सकते, दैट मीन्स ऑप्शन 1 अलोन कैन गिव माई आंसर। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अनअकैडमी में फॉलो करिए, और ढेर सारे वीडियोस आएंगे दोस्तों कतार में, तो इसका भी इंतजार करिए। तो तब तक के लिए सब बखैर, और अपना सेहत का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।